बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जिसकी लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेन। लेकिन मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन एक बार फिर एक 22 साल की युवती के लिए मौत की वजह बन गई है। मुंबई के डोंबिवली स्टेशन के पास से एक खचाखच भरी लोकल ट्रेन से गिरकर 22 साल की युवती की मौत हो गई। युवती डोंबिवली फास्ट लोकल ट्रेन में चढ़ी थी और कोपर स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन से फिसल कर गिर गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार को युवती की ऑफिस में नई शिफ्ट का पहला दिन था। पिछले कुछ समय से वह दोपहर 12 बजे के आसपास ऑफिस जाती थी, जिसके कारण वह घर से लेट निकलती थी। लेकिन 16 दिसंबर से उसकी शिफ्ट की टाइमिंग बदल कर सुबह 10 बजे हो गई थी, जिसके चलते वो इस दिन सुबह वो जल्दी निकली। लेकिन उस युवती को इस बात का अंदेशा नहीं था कि नई शिफ्ट का पहला दिन ही उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन साबित होगा। डोंबिवली निवासी चार्मी प्रसाद डोंबिवली स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली फास्ट लोकल ट्रेन पकड़ती है। लेकिन करीब 9:20 के आसपास ट्रेन कोपर स्टेशन पहुँचने ही वाली थी कि तभी अचानक चार्मी का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वह ट्रैक पर गिर पड़ी। गंभीर रूप से घायल चार्मी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही चार्मी की मौत हो गई। चार्मी के परिवार वालों के मुताबिक पीक आवर में वह यात्रा इससे पहले नहीं किया था, वही उसका यह पहला दिन था। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 11 महीनों में लोकल ट्रेनों से गिरकर मरने वालों की संख्या 557 हो गई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल भी ट्रेन से गिरने से 482 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई की जान कही जाने वाली लोकल ट्रेन में हर दिन लगभग 42 लाख से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं और हर साल सैकड़ों की संख्या में यात्री लोकल ट्रेन से गिरने और चपेट में आने से मौत का शिकार हो जाते हैं। मुंबई लोकल की संख्या में इजाफा ना हो पाना और यात्रियों की बढ़ती संख्या को इन हादसों की अहम वजह माना जा रहा है। ख़ासतौर पर सुबह और शाम के समय जो यात्री सफ़र करते हैं, ट्रेन में जगह ना होने के कारण चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, ट्रेन के दरवाजे पर ही खड़े होकर सफ़र करते हैं। ऐसे में अचानक हाथ फिसल जाने या कोई अन्य वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये घटना दुखद घटना है, जिसमें रेलवे ने जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमने रिसेंटली पिछले 2 साल में सबर्बन में 114 सर्विसेज इंट्रोड्यूस की है और इस साल हमने जो 15 डब्बा इंट्रोड्यूस किया है वो डोंबिवली से पहली सर्विस हमने स्टार्ट की है। इसके अलावा FOBs है, एस्केलेटर है, लिफ्ट्स है, इसका काम जो है वॉर फुटिंग पर शुरू है। ये छोड़ के RPF ने हमारी एक मुहिम छड़ी है जिसका नाम है माई लेफ्ट इज माई राइट, जिसमें सेंसिटिव स्टेशन आइडेंटिफाई करके वहाँ RPF का पर्सनल जो है स्पीकर हाथ में लेके अनाउंसमेंट करते हैं, पॉम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जब भी आपको EMU बोर्ड करना है या FOB चढ़ना है तो अपने लेफ्ट साइड से चढ़िए और जब आपको डीबोर्ड करना है उतरना है तो। इसके लिए रेलवे वाले को बराबर बंदोबस्त करना चाहिए। गर्दी बहुत रहता है, मगर चढ़ने को अंदर लेडीज लोग चढ़ती है, अंदर आगे खसकती नहीं है, डोर पे लटकती है। और कितनी बार हम लोगों ने भी उठाया है, उनको नीचे गिर गया है। आज मैं 60 साल की मेरी उम्र है, मैं डेली अप डाउन करती हूँ, डेली मैं देखती हूँ। इसके लिए आप कुछ भी इसका व्यवस्था करना ही पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा कुछ लेडीज स्पेशल ट्रेन ज़्यादा करना चाहिए और लेडीज की सुरक्षा पूरे रखना चाहिए रेलवे वाले को।